हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 15 पे। जैसा कि जानते हैं 5 मिनट सीरीज है, 200 टॉपिक आएंगे और यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, 15 से 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है हमारे प्रीलिम्स 2023 में। क्या कर सकते हैं आप, आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट है उसको आप आराम से देखिए और उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए आइए आज बात करेंगे हम लोग MPEDA, ये क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अभी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट पे क्या किया है, काम किया है और यहाँ पे किया है। तो इस वजह से होता क्या है ना यार, जो ये अथॉरिटीज़ होती हैं इसकी यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो क्या करना है, नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नंबर एक बात करना, कब ये लॉन्च किया गया, तो 1972 में लॉन्च किया गया। एक स्टेजेटरी बॉडी है, मतलब कानूनी एक वैधानिक निकाय है। किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये नहीं बोलना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। एंड इंडस्ट्री इज अ नोडल एजेंसी ऑफ प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द मरीन प्रोडक्ट, यह एक नोडल एजेंसी है। यूपीएससी कह सकता है कि यह एक नोडल एजेंसी नहीं है, इसके अलावा कोई और नाम दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पहले एक नाम था जिसका नाम था मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि 1961 में बनाया गया था। ये ज्वाइन कर दिया गया बाद में MPEDA में, मतलब उसी को इसमें शामिल कर दिया गया। देखो इसके पास पावर्स क्या क्या है, रेगुलेटरी पावर्स क्या क्या है, ध्यान रखना जो भी मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उन सभी का मेजर्स, जो भी रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो सस्टेनेबल हो, क्वालिटी हो, हर चीज़ को लेके, एक्सपोर्ट को लेके जितनी भी बातें होता है यही क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि दूसरे देश में हम क्या करें, मरीन प्रोडक्ट तो भेज रहे हैं लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रहा है, क्योंकि क्यों, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, सेफ नहीं है फूड, है ना, इस वजह से ध्यान रखना। सी फूड होता है, सी फूड का मतलब होता है ना कि जैसे मछली हो गई, जो भी जानते हो यार, जो समुद्र में पाए जाते हैं जानवर उन्हीं का, है ना, उनको सी फूड कहा जाता है। ठीक है, आगे अभी हाल ही में जैसा आप सबको पता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बना है विद द टोटल मरीन एक्सपोर्ट जो इस बार का रहा है वो रहा है 7.74 बिलियन USD इन 2022 में, मतलब 2022 में। तो ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हम बन चुके हैं 2022 में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है हमारे लिए। हो सकता है UPSC यहाँ पूछ लिख दे कि फोर्थ लार्जेस्ट है या फिफ्थ लार्जेस्ट है, कह दीजिएगा नहीं, या कह देगा हम नंबर वन हो गए, कह दीजिएगा ऐसा भी नहीं है, हम अभी नंबर टू पे, ठीक, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसको नोट डाउन कर लेना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक, देखो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, जो भी चीज़ें खबरों में रही हैं हर चीज़ के लिए, इसी का इसीलिए ये 200 वाली जो सीरीज है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के आप सभी का।